या कोई न कोई देवता हिंदू धर्म के देवताओं से मिल खाता है। दुनिया भर में मिले हिंदू सभ्यता के सबूतों के बारे में हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण से जुड़े सबूत हमारे देश के साथ समुन्दर पार दक्षिणी अमेरिका में मिले हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर फिशर ने एक ऐसे प्राचीन रहस्यमय शहर की खोज की है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार जब लंका दहन करने के बाद अपनी पूंछ की आग मिटाते वक्त हनुमान जी ने अपने पसीने की बूंद पानी में टपकाई, तो उस पसीने की बूंद को एक मगरी ने पी लिया और उसकी कोख में हनुमान जी का अंश चला गया। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावन के सेवकों ने इस मगरी को पकड़ा तो उन्हें उसके पेट में वानर की आकृति का एक बच्चा मिला, जिसे वो अहिरावन के पास ले गए। अहिरावन ने कुछ सालों के बाद हनुमान जी के इस बेटे मकरध्वज को पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया। जब मायावी अहिरावन भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गए थे और लक्ष्मण को अहिरावन के चंगुल से बचाने के लिए पातालपुरी पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। हनुमान जी को मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावन का वध करके प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया। और अब इस कहानी को पुख्ता करता है एक ऐसा सबूत जो दक्षिण अमेरिका में मिला है। दक्षिण अमेरिका के होंडुरास जंगल में एक ऐसे शहर की खोज की गई जिसे सिटी ऑफ मंकी गॉड नाम दिया गया, और ये नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ मिली हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां ये बताती है कि यहाँ रहने वाले लोग वानर देवता की पूजा किया करते थे। अब तक यहाँ ऐसी कई मूर्तियां मिली है जिनमें वानर देवता घुटने के बल बैठे हैं, जिन्हें देखकर राम भक्त हनुमान जी की याद आ जाती है। घुटनों के बल बैठे बजरंग बली की मूर्ति वाले मंदिर आपको हिंदुस्तान में जगह जगह देखने को मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मिली वानर देवता की मूर्ति के हाथ में गदा जैसा हथियार भी नजर आता है। इस शहर की खोज पहली बार 1940 में थियोडोर मॉरट ने की थी। उन्होंने एक मैगजीन को इस खोज की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस शहर के स्थान का खुलासा नहीं किया था ताकि दोबारा उनके जाने से पहले कोई और इस जगह तक ना पहुंचे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अचानक 1954 में रहस्यमय तरीके से मॉर्ड की मौत हो गई और उस जगह का हर एक राज उनके साथ ही खत्म हो गया। इसके करीब 7 दशक बाद 3D मैपिंग की मदद से होंडुरास के घने जंगलों के बीच मस्किटिया नामक इलाके में खोजकर्ताओं को प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हुए। अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबॉर्न लेजर मैपिंग ने होंडुरास के जंगलों में आधुनिक उपकरणों की मदद से इस शहर के निशान खोज निकाले हैं। पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का जिक्र बार बार मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाताल लोक काल्पनिक है या फिर इसका वजूद भी है। हनुमान जी जिस सुरंग के जरिए पाताल लोक पहुंचे थे उस सुरंग की गहराई 70,000 योजन मतलब करीब 560 किलोमीटर बताई गई है। इस मान्यता के सच होने का प्रमाण ये है कि मेक्सिको और होंडुरास भारत के ठीक नीचे आते हैं। गुजरात के बेट द्वारका में एक हनुमान मंदिर है। मान्यता है कि पाताल लोक यही से शुरू होता है। इस बेट से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। दरअसल पर्यावरण के प्रति सजग होंडुरास जंगल में खुदाई की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मिली प्रतिमाएं हनुमान की ही है और ये वही जगह है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे और ना ही भारत की कोई शोधकर्ताओं ने किया है, बल्कि ऐसा दावा खुद आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने किया था, जिसके बारे में जानकारी वहाँ की कई मैगजीन्स में छपी थी, जो ये दिखाता है कि दूसरे देशों को हमारे भारत में घटित घटनाओं के प्रति कितना कुतूहल और महत्व है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि यह हमारे खुद के लोग रामायण और महाभारत को काल्पनिक कथाएं मानते हैं।
पाताल लोक को लेकर कई कहानियां इतिहास में मौजूद है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं जो हमें पाताल लोक तक ले जा सकती है। अगले एपिसोड में जाने मध्य प्रदेश के पाताल कोट की एक और गुफा के बारे में जो पाताल लोक जाती है और जिसका जिक्र रामायण में हुआ, शिव पुराण में हुआ, जिसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के बीचों बीच एक बस्ती है जिसमें पाताल लोक के रक्षक सांप इंसानों से भी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और उसी बस्ती से गुजरता है एक रास्ता जो धरती लोक को पाताल लोक से जोड़ता है। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और